नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार का खास कार्यक्रम नक्षत्र। मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। आज हम बताएंगे आपको आपके 12 राशियों का हाल, क्या करें क्या ना करें, आज आपका दिन कैसा बीतने वाला है, साथ में जानेंगे आज का पंचांग। इन सब के लिए हमारे स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर मौजूद है आचार्य राजीव शुक्ला जी। गुरु जी बहुत स्वागत है आपका। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को प्रणाम। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मा मरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामी याते रुद्र शिवा तनूर घोरा पाप काशिनी तया नस्तनवा शंतमया गिरी शंता विचारशी। इस प्रकार के ये वैदिक वांग्मय से और ये स्तुतियों से लिए गए श्लोक ये भोलेनाथ परमात्मा और परम परात्पर ब्रह्म इनको समर्पित और इसी के साथ इन्हीं से ऊर्जाओं का संचालन होता है, इसलिए समस्त ऊर्जाओं को अपने आप में समेटे हुए नवग्रहों का क्या आज कह रहा है ख्याल, यानी आज क्या कह रहा है आने वाले समय में किस प्रकार से हमको ऊर्जाएं मिलेंगी जो हमारे सुख को बढ़ाए और दुखों को कम करें। इस प्रकार से दैनिक जीवन में हमारे ग्रह जो चलायमान हैं उन ग्रहों को किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं छोटे छोटे उपाय करके और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि खुशियां अपार सब पा सकते हैं, लेकिन जरूरी होता है थोड़ी देर इस बात को समझने के लिए। तो मेष से शुरू करते हैं। मेष राशि आज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात हो सकती है, धन का व्यय आज आपका हो सकता है, लेकिन अधिक अनर्थ के कार्यों में आज बिल्कुल ना आप पड़े, अन्यथा विवाद हो जाने की संभावनाएं प्रबल दिख रही हैं। छोटा सा कार्य नहीं है ये, तो बहुत बड़ा कार्य है। हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप 5 बार 7 बार 9 बार करते हैं तो हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है। लाल रंग आज आपका शुभ बताया जा रहा है। क्या नहीं करना है आज मेष राशि वालों को आज स्वास्थ्य से लेके स्वास्थ्य की जो समस्या आ रही है उससे संबंधित लापरवाही ना करें। यदि अगर थोड़ा भी कुछ समस्या है तो उसको चेकअप इत्यादि जरूर कराएं। उत्तर दिशा आज आपके लिए अशुभ बताई जा रही है। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों, व्यवसाय में आपके बिजनेस के जो पैटर्न है उसमें निवेश करने से इस समय लाभ होगा और सबसे बड़ी बात यह है मन शांत रखेंगे आप और इजी वे में आज आप काम करेंगे। क्या करना चाहिए वृषभ राशि वालों को, आज गौ सेवा प्रधान सेवा होती है, इसकी कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, बहुत ही लाभ होता है। गौ माता को आज केला खिलाएं और इसके साथ साथ नारंगी वस्त्र अवश्य पहने, चाहे रुमाल ही रख ले, उपवस्त्र का इस्तेमाल करें लेकिन करें। क्या नहीं करना चाहिए आज वृषभ राशि वालों को, अगर कोई भी समस्या है तो इलाज में उसकी यानी दवाई समय से लें, ये भी एक बात है। और इसके साथ साथ कुछ किसी भी प्रकार से अपने को संतुलित भोजन करें। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों, धन के आगमन के ऐश्वर्य के आगमन के योग बनेंगे आज 11 बजे के बाद से, व्यवसाय में लाभ होगा आज, ये भी अच्छा एक प्रभाव है। क्या करना चाहिए आज आपको, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में तुलसी का आज पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए। छोटा सा कार्य है, घर पे ही कर सकते हैं इसको, मंदिर करें तो और अच्छा है। नीला रंग आज आपके लिए शुभ है। क्या नहीं करना है मिथुन राशि वालों, जीवन में काफ़ी समय से तनावग्रस्त चल रहे थे लेकिन वो खिंच सकता है थोड़ा तनाव, तो आप थोड़ा सा तनाव को बनाए रखें, आप मतलब अपनी शांति को बनाए रखें और तनाव को कम करें। इसके साथ ही आज आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूर्व दिशा की तरफ कोई व्यवहार ना करें। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों, छात्रों यानी अगर आप छात्र हैं, कुछ नई चीज सीख रहे हैं या कुछ किसी क्रिएटिव वेंचर में लगे हुए हैं आप, तो प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, एग्जाम्स इत्यादि भी अच्छे होंगे कर्क राशि वाले छात्रों के विशेष रूप से, लेकिन विवाद से बचना पड़ेगा आज आपको अच्छे, यानी कि कोई अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना करिए और सबसे पहले माता कालिका का ध्यान करना, ओम कालिकाए नमः केवल यही 5 बार बोल दीजिए, सफेद रंग आज आपके लिए शुभ है। क्या नहीं करना है कर्क राशि वालों, कर्क राशि वालों को नेगेटिविटी से बचना चाहिए, अंधेरे में बैठने से बचना चाहिए, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करने से आज बचना चाहिए। ये 3 बातें हैं, देखिए कितना आनंद आएगा मान के तो देखिए। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों,
यदि राजनीति से जुड़े हैं तो जरूर सफलता मिलेगी, लेकिन नॉर्मल व्यवहार में राजनीतिक दृष्टिकोण आज ना रखें तो बहुत लाभ होगा, और लोगों का सहयोग करें बहुत लाभ होगा, उधार से बचें। क्या करना चाहिए आज आपको? बहते हुए जल में नारियल प्रवाहित करना बहुत अच्छा रहने वाला है, अन्यथा नारियल से बनी हुई कोई मीठी चीज आप लोगों को खिला भी सकते हैं। क्या नहीं करना है आज सिंह राशि वालों को? छोटी छोटी बातें हैं अलग अलग राशियों के ऊपर, हमारा निष्कर्ष निकलता है कि बहुत आसान से कुछ बताएं। रात्रि जागरण आज आपके लिए नेगेटिव है, ये आज आपका निष्कर्ष है। पश्चिम दिशा आज आपके लिए अशुभता का प्रभाव दे रही है, सिंह राशि वालों की ये राशि है। और सिंह राशि के बाद अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों घर के कार्यों में और घर के कार्यों में एज आप प्रधान यानी सबसे बड़े की भूमिका आप आज आप निभाएंगे, और निवेश से आज आपको लाभ होगा, यानी आज आप मुखिया की भूमिका में हो सकते हैं। क्या करें आज आप? श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना अमोघ रहेगा, क्योंकि इससे आज आपका हृदय भी पुष्ट होगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ज्यादा खर्च करने से बचें। ये व्यर्थ में किया हुआ समय का भी खर्च है, लेबर का भी खर्च है, और साथ के साथ आपके स्वयं के जेब का यानी पॉकेट का खर्च है। पश्चिम दिशा आज आपके लिए अशुभ बताई जा रही है कन्या राशि वालों को। कन्या राशि वालों के बाद अगर हम बात करेंगे तो तुला राशि की। तुला राशि वालों IT से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्र हैं, और छात्र एक सांकेतिक शब्द है, कोई भी इस फील्ड में लगा हुआ है उसके लिए दिन शुभ है। सोशल मीडिया इत्यादि पे या कहीं भी मीडिया इत्यादि पे लाभ होने की संभावना है। क्या करना है तुला राशि वालों को आज अपने गुरु का, और अगर गुरु किसी को नहीं बनाया है तो भोलेनाथ गुरु है, उनका आशीर्वाद जरूर ले। गुलाबी रंग आज आपके लिए शुभ है, लेकिन क्या नहीं करना है आज आपको तुला राशि वालों को? आज विशेष रूप से ऑफिस यानी कार्य स्थल, कैसा भी किसी का भी कौन सा भी कार्य स्थल हो, उसमें वाद विवाद करने से आज बचना चाहिए, क्योंकि कार्य स्थल आज आपको तनाव कुछ दे सकता है। पूर्व दिशा आज आपके लिए यानी ईस्ट आज आपके लिए अशुभ। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों व्यर्थ में धन खर्च हो जाने या किसी प्रोजेक्ट में एकदम से कोई बहुत बड़ा खर्चा आ जाने से, या आज आपके कार्य व्यवहार में अगर बड़ा खर्चा आ जाए तो बिल्कुल घबराए ना, और थोड़ा सा सावधान रहे बड़े निवेश करने से, और बड़ा निवेश आज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। क्या करना चाहिए? ब्राह्मण को या किसी पुजारी इत्यादि को या कोई सात्विक व्यक्ति को खीर आज आप खिलाएं, निश्चित रूप से आज आपको लाभ होगा। नारंगी रंग आज आपके लिए शुभता का प्रमाण ले रहा है। क्या नहीं करना है वृश्चिक राशि वालों को? कोई भी बड़ा काम स्वयं से यानी वन मैन आर्मी बनने की आज कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि कोशिशें आज आपकी असफल होंगी, ये बता रहा है पंचांग। और इसके साथ साथ पश्चिम दिशा आपके लिए अशुभ है। अब हम बात करेंगे नौवीं राशि धनु राशि की। धनु राशि वालों नई नौकरी की आज आपको संभावनाएं प्रबल बताई जा रही हैं, अवसर मिलेंगे। थोड़ा सा अपना आप शांति बनाए रखें, जरूरतमंद को जो भी आज आपका नीडी लोग हैं उनको कपड़े आप जरूर दिलाएं, कपड़े का दान करें अच्छा रहेगा। नीला रंग आज आपके लिए शुभता का संचार ला रहा है। क्या नहीं करना है आज आपको? धनु राशि वालों को किसी से भी झूठ बोलने से बचना चाहिए, और झूठ बिल्कुल भी ना बोले, अन्यथा आपका झूठ पकड़ा जा सकता है। और किसी अगर आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो तो बिल्कुल भी गलत ना दे। पूर्व दिशा आज आपके लिए अशुभ बताई जा रही है। मकर राशि की बात कर ले। मकर राशि दसवीं राशि शनिदेव की राशि है ये तो, और शनिदेव मकर राशि में ऑफिस के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, काम काज की दुनिया में व्यस्त रहेंगे, ट्रैवलिंग इत्यादि भी हो सकती है, लेकिन साथ के साथ आज आपको सबसे ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ना मिल सकती है दोपहर के बाद। कुछ थोड़ा संभल के चलिएगा। क्या आज आपको करना है? आज आपको काली चींटियों के बिल में आज आपको चीनी जरूर डालनी चाहिए, जिसको बोलते हैं त्रिचौली भी, और चीनी भी आप डाल सकते हैं। भूरा रंग आज आपके लिए
शुभ सिद्ध हो रहा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये जानकारी साथ में ही लेना चाहिए। आज आपको क्या नहीं करना है, डर से और नकारात्मक सोच आपकी जो अंदर विराजमान हो गई यानी बैठ गई है, वो तकलीफ दे रही है, उसको दूर रखने की कोशिश पूरी करें, मेडिटेट कर सकते हैं। आज आप कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, आज व्यवसाय में सफलता की आज आपको अच्छी प्राप्ति दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आज आप लंबी यात्रा से बचने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन अटेंडेंस या कार्य अपना पूरा रखें। क्या करना चाहिए आज आपको, मसूर की दाल आज आपको गाय को बैल को खिलाना लाभदायक रहेगा, अन्यथा इससे बनी हुई वस्तुओं का आप खाद्य पदार्थ का वितरण कर सकते हैं। लाल रंग भी आज आपको अच्छा प्रभाव दे रहा है। कोई नया निवेश आज आपको नहीं करना है। निवेश बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के लिए कैसा भी निवेश न करें। दक्षिण दिशा आज आपके लिए अशुभ बताई जा रही है, यानी कि दक्षिण दिशा का प्रभाव पॉजिटिव नहीं है। मीन राशि, अंतिम राशि, बात करते हैं मीडिया के लोगों में, या मीडिया से जुड़े हैं या मीडिया से संबंधित अगर कोई बात है तो सफलता मिल सकती है, अन्यथा अन्य लोगों के लिए थोड़ा सा सावधान रहने का समय है। जीवन साथी से सहयोग भरपूर मिलेगा। केले के पेड़ की पूजा करना अच्छा रहेगा। विष्णु जी की उपासना अच्छी रहेगी। अजनबियों पर भरोसा ना करें, अपने टाइम टेस्टेड लोगों पर ही भरोसा करें। और इसके साथ साथ दक्षिण दिशा अशुभ। तो दर्शकों, आपने देखा मेष से मीन, मीन से मेष पर, इन सारी राशियां बहुत जल्दी बिना किसी ब्रेक के और बहुत छोटे छोटे उपाय और रिसर्च करके, ये ऐसे उपाय होते हैं जो हर कोई व्यक्ति आसानी से कर सके। अपनी राशि और अपने अपनों की राशि सभी की देखिए। आप सबको दिन शुभ हो। गुरु जी, हमारे दर्शकों को बताइए क्या कहता है आज का पंचांग। दिनांक 24 फरवरी 2020। प्रतिपदा तिथि का मान लगा हुआ है। शतभिषा नक्षत्र और फाल्गुन मास का प्रभाव लगा है, यानी कि प्रतिपदा प्रथम तिथि राहु काल 8:17 से 9:43 तक, शुभ समय 12:11 से 12:57 तक शुभ सिद्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं 8004036524 पर। ये गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। गुरुजी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के नक्षत्र में बस इतना ही। खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ।